जी भी आ रहे हैं 27 तारीख को संक्रांत। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए। नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के इस विवादित बयान पर बीजेपी के नेता भड़क गए हैं। सूबे के सीएम शिवराज ने भी ट्वीट करके उनके बयान की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि आज कांग्रेस नेता अरुण यादव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो उनके स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक है। यही कांग्रेसी कल्चर इनकी मोहब्बत की दुकान है। मोदी जी देश का मान और देशवासियों का स्वाभिमान है। कांग्रेस रसातल में जा रही है और जब देश के यशस्वी व लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सीधे मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रही तो अभद्र और असभ्य भाषा पर उतर आई है। अरुण यादव ने राजनीतिक मर्यादाएं तार तार कर दी हैं। आपके बयान से मध्य प्रदेश शर्मिंदा है। अरुण जी, आपकी और कांग्रेस की इस कुंठा का जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। वही अरुण यादव पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा, आपके इस बयान से आपके पिता की आत्मा बहुत दुखी होगी। संस्कार विहीन पार्टी है कांग्रेस। अरुण भाई, आज आपके पिताजी की आत्मा आदरणीय सुभाष यादव जी की जार जार हो रही है। मुझे लगता है उन्होंने संस्कार देने में कोई कमी रख दी आपको। सुभाष यादव जी के पुत्र की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। ये इटली के वंशज की सरपरस्ती वाली भाषा है, जो कभी प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलती है, कभी मौत का सौदागर बोलती है। ये भाषा वही भाषा है जो संस्कार विहीन लोग बोलते हैं। ये भारत देश है, यहाँ तो स्वर्गीय जब हो जाते हैं, और हमारे यहाँ तो पितरों को पानी देने तक का संस्कारों में बताया गया है। ये आप जो इटली के वंशजों की भाषा बोल रहे हो ना, जो मौत का सौदागर बोलते हैं उनकी भाषा बोल रहे हो ना, ये वास्तव में निम्नी करते हैं जो आज आप। दरअसल अरुण यादव ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के दौरे को लेकर कहा था कि मध्य प्रदेश में कोई भी आ जाए, चाहे मोदी जी आए और उनके ऊपर कोई हो चाहे वो आ जाए। नड्डा जी आ ही रहे हैं, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है, जो कि हमें स्पष्ट दिख रही है। बीजेपी नेता अरुण यादव को अपने इस बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।